He is on his way. Deepak ji. Deepak ji, please. Ravi bhai. Hello. Very good. Ravi, come now. Ravi, does he come? Just guess. Come on. How are you? Come. Very good. Group ke le le single single se close hai thoda sa thoda sa. Yes. Hello. Naam hai. सर सारे कैमरे पे लुक दे दीजिए All of you left, please, ma'am, sir. Yeah, we just arrived. We haven't left. Thank you. Bas, bas, bas. Sir, get up. Sir, yeah. Sir, it's here. Sir, it's here, sir. Sir, it's here. Sir, it's here. Sir, it's here. Come, sir. 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 So you want to give them bite first and then this, or you want to give it together? देखिए बातें पहले बातें भी नहीं थी. बातें तक तो बात पहुंची है,
पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा था इस बारे में, अब बिकॉज इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को अंदर से झिझोड़ा, उनकी अंदर जो उनका कॉन्शियंस होता है उसको झिझोड़ा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि सिंटा ने ये कदम लिया है। हालांकि प्रॉब्लम सिर्फ सिंटा का नहीं है, अलग बाकी के वर्कर हैं, सब लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो हम कहते हैं ना डिस्पैरिटी के, भाई वर्किंग आवर सबसे पहले, ये 8 घंटे से सडनली 12-14 घंटे कैसे हो गए, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर से मुंबई में जहाँ पे ट्रैवलिंग में ही लोग 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे एक तरफ ट्रैवल करते हैं, तो 4-4 घंटे तो सिर्फ ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। फिर होते बोलते शूटिंग से पहले आइए आप, तो फिर 9 बजे की शिफ्ट है तो 8 बजे आके बैठ जाते हैं। फिर तो ये इट इज़ ह्यूमन कंडीशन नहीं है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप बाकी कोई भी डेवलप्ड नेशन को देखें, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, लंदन, हम छोटे वियतनाम को बात कर लीजिए, आप कंबोडिया कोरिया की बात कर लीजिए, इन सब देशों में ये कंडीशंस हैं और इनको राइट्स मिलते हैं। और तो हमने कहा कि टॉयलेट, खाना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक राइट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। कॉम्पेंसेशन तो दूसरी बात है कि एक्सीडेंट हो गया सेट पे, और कोई आपके सेट पे आपके कोई ऐसा हादसा हो गया वो देखना। सेफ्टी स्टैंडर्ड, हेलमेट नहीं है, रस्सी नहीं लगी हुई है, भाई गिर गया हो ऐसे लटक के, आप ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, आप दूसरे आप बिल्डिंग में देखिए, वो पोल पे काम कर रहे हैं, क्लास्प नहीं, वो बेसिक होता है क्लास्प लग, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जैसे कि और स्ट्रिक्ट जब होगा जब दंड लगता है। सीट बेल्ट कोई नहीं पहनता था, अरे पुलिस नहीं है सीट बेल्ट क्यों पहना, अरे सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन जहां बोला कि 500 रुपये 1000 रुपये दंड लगेगा, अब सीट बेल्ट पहनना शुरू कर दिया, इसीलिए नहीं कि वो सेफ्टी है, इसीलिए कि वो दंड लगेगा। ये कुछ माइंडसेट भी हमारा कुछ अजीब सा है। हेलमेट पुलिस नहीं है क्यों पहन रहे हैं, अरे पुलिस के लिए नहीं हेलमेट है, पुलिस आपके लिए है। लेकिन ये सब बातें समझाना, और जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और एम्प्लॉयर को देखना है कि भाई ये हक है उसका, इंसानी हक है उसके, कुछ हकूक हैं, और ये शुरुआत है। एंड आई थिंक ये सिंटा ने बहुत अच्छा कदम लिया है, अब आगे मेरे ख्याल से बहुत कुछ बात बढ़ सकती है, और फेसिस की ज़रूरत है। शबाना जी बहुत एक वरिष्ठ हमारे इंडस्ट्री की मेंबर हैं और बहुत काम कर चुकी हैं और करती हैं, और इसके साथ साथ बड़े स्टार्स को भी जुड़ना पड़ेगा, और ये आवाज़ जो है पहुंचानी पड़ेगी लोगों के, नहीं इनका हक है। देखिए हमारी फैमिली है, हिंदुस्तान में हर एक जगह ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी फैमिली की बात कर सकते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारी इंडस्ट्री है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक कोशिश, थैंक देखिए हम अभी पिछले पूरे साल भर में हमारी सारी जो मीटिंगें हैं वो सिर्फ मीटिंग्स के लिए मीटिंग नहीं हो रही हैं। सुशांत सिंह, हम सारे लोग, हम बहुत जेन्युइनली इसके पीछे पड़े हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो, और जो अभी मेंबर्स नहीं बने हैं वो, सभी को हम इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि कम टुगेदर, लेट अस आवर ऑर्गेनाइजेशन बी स्ट्रॉन्ग, वो उनके अच्छे के लिए है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आज हमने जो ये डॉक्यूमेंट्री देखी, वो देखने के बाद तो ऐसा ये एहसास होता है कि ये हकीकत है। बॉलीवुड की एक बाजू दुनिया ने देखी है, बॉलीवुड की दूसरी बाजू जो है उसके बारे में गवर्नमेंट के सामने ये सारा लाना है, हमारे लोगों के सामने लाना है, जो इस पर कुछ कदम उठा सकते हैं उनके सामने लाना है, और इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड करके ये सारे मुद्दों को उठा के हमको जो जो इस डॉक्यूमेंट्री में जो प्रॉब्लम बताए गए उन सारे प्रॉब्लम से मात करनी है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं जी। ये मीटिंग्स के लिए मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, हमने 90 सेट्स की विजिट्स की हैं, जैसे सुशांत ने बताया 90 सेट्स वी विजिटेड, सिर्फ
हेल्थ सेफ्टी, फायर सैनिटेशन, डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशन, आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ अगर सिंटा इनिशिएटिव लेगा, जैसे सुशांत ने कहा, एक्टर इनिशिएटिव लेगा, तो बाकी के वर्कर्स को ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे सुशांत ने अभी भी कहा कि एक्टर इंडस्ट्री का फेस है, जब सिंटा और सिंटा के एक्टर्स इनिशिएटिव लेंगे तो बाकी के वर्कर्स को बेनिफिट होगा, हम यही चाहते हैं। एक और बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और बात है, हाँ हाँ ठीक है, एक और बात है, जनरली ऐसी एक भावना होती है वर्कर्स और एक्टर्स के बीच में भी, एक दीवार सी खामखा खड़ी होती है। हम सारे एक्टर्स हैं, वी ऑल आर एक्टर्स, वी आर ट्राइंग टू स्टैंड बाय आवर वर्कर्स, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट, ये बात हम सभी को बताना चाहते हैं कि उनके अच्छे के लिए हम भी उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। प्लीज कम टुगेदर, लेट अस बी स्ट्रांग, ये हमारी ये उद्देश्य है। भाई 2015 में इलेक्शन में खड़े हुए थे हम लोग सिंटा के, और इस पिछले इलेक्शन में विक्रम जी हमारे साथ आ गए, तो नामी चेहरों को, स्टैब्लिश्ड लोगों को सिंटा के साथ जोड़ने की कोशिश के पीछे वजह यही है कि जब ऐसे लोग आगे आएंगे तो समस्याओं को हल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पिछले 2.5 साल लग गए ये समझने में कि समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, एक एक कर समस्याओं को परखा, एनालाइज किया, उपेंद्र चान्ना जी को साथ लेकर चले, समस्याएं बहुत सारी हैं, उनका हल क्या है, कैसे करना है, अब जाकर के धीरे धीरे समझ में आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए PIL तैयार कर रही है सेंटा, रिट पिटिशन बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं हम, इसके साथ पार्लियामेंट्री कमेटी से मीटिंग की है, तो ये सेंट्रल स्तर पर जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सेक्सुअल हेरसमेंट के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मेंबर्स को जो एक्सप्लॉयट किया जाता है, पहली बार सिंटा ने प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट केसेस फाइल करना शुरू किया है, अपने मेंबर्स के लिए हमने लीगल केसेस फाइट करना शुरू किया है, तभी तो उनमें शक्ति आएगी, तभी वो सिंटा के साथ जुड़ेंगे। हमारी एक मेंबर है, उनको जो ये लोग तंग आ चुके थे अनफेयर वर्किंग कंडीशंस की वजह से, काम करते करते रोजाना के 13-14-15 घंटे काम करते करते इनसे नहीं हो रहा था, ये छोड़ना चाहते थे, इनको छोड़ने नहीं दिया जा रहा था। सिंटा के इंटरवेंशन के बाद इनको ये ताकत मिली कि ये छोड़ पाए अपना शो, उसके बाद इनको प्रोड्यूसर लीगल नोटिस भेजते हैं 74 करोड़ का। सो सिंटा लीगली अपने मेंबर्स के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी, जहां जहां हमारे मेंबर्स गलत होते हैं, शिल्पा शिंदे का केस आप सबको मालूम है, जहां हमारे मेंबर अनप्रोफेशनल हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, लेकिन जहां हमारे मेंबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हम कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो डॉक्यूमेंट में दिखाया गया वो कई हद तक, इनफैक्ट आई वुड से 100% वाज राइट। और जैसा कि सुशांत सर ने कहा कि लीगल नोटिस एंड ऑल, तो सब हुआ है, बट येस आई एम थैंकफुल टू सिंटा एंड माय फेडरेशन कि वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं ही नहीं बाकी एक्टर्स के साथ भी, एंड येस दे आर सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम, एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आई होप एक अच्छा चेंज आए आफ्टर ऑल दिस। जो सुशांत ने कहा, हम सब वी रिक्वेस्ट द मीडिया टू कवर दिस इन डिटेल्स, ताकि इस मुद्दे को, और जो मुद्दे के लिए सिंटा पूरी इंडस्ट्री के लिए जो लड़ रही है, सुशांत बार बार मीडिया से यही दरख्वास्त कर रहे हैं। सुशांत, आई थिंक यू मस्ट मेक अ अपील टू द मीडिया। हमारी जो फाइट है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी से भी हमने बात की है, हमने पूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशंस लाने की बात की है, और आप भी उसी का हिस्सा हो, चाहे जब मैचेस टेलीकास्ट होते हैं या न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप सब भी हमारे ही इंडस्ट्री का हिस्सा हो, वो रेगुलेशंस आप सबके लिए होंगे। जब आपको लास्ट मिनट कवरेज के लिए बुलाया जाता है, रात की नींद से जगाया जाता है आपको कि कोई सेलिब्रिटी आया या कोई आग लग गई है, तो आप लोगों के भी कोई राइट्स हैं, आप लोगों को भी स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए, आप भी हमारे भाई बहन हैं। सो वी आर फाइटिंग फॉर यू, यू शुड ब्रिंग आवर वॉइस टू द गवर्नमेंट। ये जो घंटी है ये इस बात की घंटी थी कि हमारा समय पूरा हो चुका है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तो ये पहले मानना पड़ेगा कि हमारे इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है,
और बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो चैनल से हो, चाहे वो क्राफ्ट से हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से हो, सबको साथ में मिलकर एक जरिया निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है सर, यहाँ बिजनेस चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में बाहर से लोग आकर हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या है या क्या होने चाहिए, वो सब मिलकर ही कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा गवर्नमेंट से एक ताल्लुकात हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे जो लोग आ रहे बिज़नेस करने इंडिया में बिज़नेस करने के लिए, वो उस गवर्नमेंट रूल्स को समझें। और हमारी जो इंडस्ट्री है, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ कहा जाता है कि 1,80,000 करोड़ के करीब बिज़नेस जनरेट होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब इतना सारा पैसा इंडस्ट्री में आ जाता है या इतना टर्नओवर होता है, जाहिर सी बात है कि क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपका दे विल ट्राई यूज़ यू। सो फॉर दैट यू नीड योर गवर्नमेंट टू बैक यू अप, यू नीड गुड लॉज, यू नीड गुड एसोसिएशन, यू नीड गुड पीपल टू अलाइन विथ यू, एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। तो ये एक मुहिम थी जहाँ हम चाह रहे थे कि ये जो हमारे जो मुद्दे हैं वो साफ पर्दे पर दिखाई दें, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो चमकीला बाहर से दिख रहा है वो वैसे अंदर से है, काफ़ी खोखला अंदर से। हम चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको ये जो डॉक्यूमेंट्री है उनको ये दिखाया जाए, जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ मीटिंग हो, ताकि उनको समझ आए कि किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, किस किस्म के डिमांड्स किए जा रहे हैं हमारे जो वर्कर्स के साथ हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो एडिटर्स हो, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग मेड, आर दीज लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, डू दे फॉलो बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो ये एक बार सामने आ जाएगा, देन वी कैन एटलीस्ट एक्नॉलेज कि येस, इट माइट नॉट बी द इंटेंट नहीं होगा कि भैया कोई बिजनेस वाले ही करना चाहता है, मगर कभी कभार इफ़ यू डोंट हैव गुड वर्कर्स अमंग्स यू, योर गुड हैव पीपल गुड एक्सप्लॉइट यू, तो वो एक्सप्लॉइटेशन को सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग वेरियस लोगों से मिलेंगे, हम प्रोड्यूसर बॉडी से मिलेंगे, हम गवर्नमेंट से मिलेंगे, हम चैनल ओनर से मिलेंगे, और ये उनके सामने रखा जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनके सामने रखा जाएगा, ये केसेस उनके सामने रखा जाएगा, ये जो जितने भी लोग हैं उनके सामने रखा जाएगा, और हम कहेंगे ये हमारी हालत है, अब लेट्स सिट डाउन एंड वर्क अबाउट इट एंड ट्राई एंड फाइंड अ ईजी वे आउट। जी बहुत अच्छा सवाल भैया आपने पूछा, नाम क्या है आपका? अरुण कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमको समस्या क्या है, रोग क्या है, परेशानी क्या है, हमारे वर्कर किन किन दुखों से गुजर रहे हैं, किन किन हालातों में अपने जीवन, हम सबको मालूम है। तो मैंने माननीय सचिव महोदय से यही निवेदन किया, और भी सिंटा के जो वरिष्ठ मेंबर है, दीपक काजिर साहब है, रवि झाकल साहब है, टीना गई जी, अब आगे मीटिंग का डेट बताइए, और उस मीटिंग की डेट में हम इस समस्या, इस रोग का निदान क्या करना है। हमारा इश्यू, हमारा एजेंडा सिर्फ होगा, हमको समस्या मालूम है, एक डॉक्टर को मालूम है नाक बह रही है, सर्दी है, जुकाम है, फेफड़े में दर्द होता है, नहीं आप डॉक्टर साहब दवाई बताइए, वो दवाई के लिए हम मिलने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। रेमेडी क्या है, रेमेडी हमें तलाश करनी है। और मैं बता दूं आपको, अगर हम गहन अध्ययन में घुसेंगे लॉ के अंदर, तो है लॉ, लेकिन कहाँ हम फेल होते हैं उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। हम हिंदुस्तानियों के पास लॉ हैं, लेकिन उनको हम क्रियान्वित करने जब जाते हैं, इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो हम टोटल फेल हो जाते हैं। जिन वर्किंग कंडीशंस में हमारे आर्टिस्ट, हमारे वर्कर्स रह रहे हैं, वो अमानवीय कंडीशन है। रूल्स एंड लॉ हैं, बच्चों के लिए लॉ हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिंटा का आह्वान है कि हम सब जब तक यूनाइट नहीं होंगे, हम सबके अंदर एकता नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, इसी तरह से रोते रहेंगे, आप हमारी बात सुनते रहेंगे, हम आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन आंसू बहते रहेंगे, समस्या अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। अब समस्या को दूर करना है, हमें रेमेडी चाहिए, हमें उसका निदान चाहिए, उपाय चाहिए, इस रोग का इलाज चाहिए। नहीं, सिंटा एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं,
क्योंकि सिंटा के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या कार्यकारी पदों के ऊपर जितने लोग हैं, वो पूरे प्राण मन से सेवा कार्य के अंदर जुटे हुए हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्रोसेस के अंदर है वो सुशांत सिंह जी जो हमारे सचिव हैं वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं माननीय श्री विक्रम गोखले जी वो इस बात पे प्रकाश डाल पाएंगे। हम तो वर्कर आदमी हैं, हमें हमारा प्रेसिडेंट हमारा सचिव जो और बहुत अच्छी तरह से बात सुनी जाएगी, बात रखने वाला है। और आप जब पॉलिटिशियन को ये भी सजेस्ट करने लगेंगे कि हमारे हिसाब से इस समस्या का इलाज, इस रोग का इलाज ऐसे किया जाना चाहिए, संभव है, तो वो आपको बहुत सीरियस ले लेगा। ये मेरा मानना है, मैं राजनीतिक नहीं, मैं तो सिंटा का वर्कर हूँ। धन्यवाद।